नमस्कार। ब्यूटीफुल हमेशा हिंदी चैनल में मैं किरण आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको चेहरे पर भाप लेने के फायदे बताऊंगी, पर अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देखेंगे कि चेहरे पर भाप लेना क्या होता है। वैसे तो हम लोगों ने सुना है कि सर्दी जुकाम में हम लोग चेहरे पर भाप लेते हैं, जिसकी मदद से सर्दी जुकाम में आराम आता है। पर चेहरे पर भी भाप लिया जाता है। ऐसा करने से आपके जो पोर्स है यानी छिद्र है चेहरे के, वो अच्छे से साफ हो जाते हैं। जितनी भी गंदगी है, धूल मिट्टी है, सब निकल जाती है। साथ ही साथ आपकी स्किन में बहुत अच्छा ग्लो आता है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ढीली हो गई है तो वो भी टाइट होने में मदद होती है। तो भाप लेने के बहुत सारे बेनिफिट है हमारे स्किन के लिए। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको इसके फायदे बताऊंगी। भाप लेने के लिए आप किसी स्टीमर का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टीमर आपको आसानी से ऑनलाइन या किसी भी मेडिकल की दुकान पर मिल जाएगा, या फिर आप घर पर ही किसी पतीले में गर्म पानी करके उसके बाद उस पतीले को अलग से रखकर उस पर मुंह रखकर अपने आप को टॉवेल से बंद यानी कवर कर सकते हैं। तो इन तरीकों से आप अपने चेहरे पर भाप ले सकते हैं। तो भाप लेने का सबसे पहला फायदा मैं बताऊंगी पिंपल्स के लिए। ऑयली स्किन के जो लोग होते हैं उनको अक्सर पिंपल की समस्या हो जाती है। अगर वो 4 से 5 मिनट हफ्ते में 2 से 3 बार भाप लेते हैं तो इससे उन्हें बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है या डर्ट है या जितनी भी धूल मिट्टी है वो उनके पोर्स से निकल जाएगी, और उसके बाद उन्हें अपने चेहरे को टॉवल से पोंछ कर आइस क्यूब लगा लेना है। ऐसा करने से उनके चेहरे पर जितने भी पिंपल्स हैं वो कम हो जाएंगे और धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद मैं दूसरा फायदा बताऊंगी भाप लेने का जुड़ियों के लिए यानी व्रिंकल्स के लिए। व्रिंकल्स हमारे चेहरे पर दिखने में बहुत ही खराब लगते हैं। जब आप भाप लेते हैं 4 से 5 मिनट तो आपके चेहरे पर जितने भी गंदगी है वो निकल जाती है। इसकी मदद से जो लूज स्किन है वो भी टाइट हो जाती है। भाप की मदद से आपके स्किन में बहुत अच्छे से नमी आ जाती है। नमी की वजह से आपके चेहरे में बहुत अच्छा सा एक ग्लो आता है, जिसकी वजह से आपके चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं दिखती है और झुर्रियाँ धीरे धीरे चली जाती है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपके चेहरे पर झुर्रियाँ है तो आप भाप लेके हफ्ते में 2 से 3 बार में इस झुर्रियों को घटा सकते हैं। इसके बाद मैं तीसरा फायदा बताऊंगी भाप लेने का चेहरे के ग्लो के लिए। ये भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर हमारे चेहरे पर धूल मिट्टी और पॉल्यूशन जमा हो जाता है, जो कि हम सही से निकाल नहीं पाते। इसलिए अगर आप हफ्ते में 2 से 3 बार अपने घर पर भाप लेते हैं, इनकी मदद से जितने भी डेड स्किन सेल्स है या फिर डर्ट है या फिर गंदगी है वो निकल जाएगी, और वो निकलने के बाद आपको स्क्रब कर लेना है। स्क्रब करने से आपके फेस पर बहुत अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होगा, जिसकी मदद से आपके चेहरे पर एक बहुत ही सुंदर सा ग्लो यानी निखार आएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके चेहरे पर ग्लो आए तो इस उपाय को ज़रूर करके देखें। इसके बाद मैं भाप लेने का फ़ायदा बताऊंगी वाइट हेड और ब्लैक हेड्स को। वाइट हेड और ब्लैक हेड को निकालने के लिए भाप एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसके लिए आपको अपने फेस पर 5 से 10 मिनट के लिए भाप ले लेना है, और उसके बाद अपने स्क्रबर के मदद से वाइट हेड और ब्लैक हेड को निकाल लेना है। भाप लेने की वजह से हमारा जो चेहरा है वो बहुत ही नरम हो जाता है, जिसकी वजह से जितनी भी गंदगी है वो निकलने में आसानी होती है, और इसी की मदद से ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है, आप भाप लेके ब्लैक हेड और वाइट हेड को घटा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे बहुत अच्छे से फायदे भाप लेने के। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपको मिलूंगी और एक ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।